हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम अथ पंचमोध्याय श्री नारद द्वारा व्यास देव को श्रीमद् भागवत का उपदेश देना। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः करामहयं दराति स्व परांतिकम् वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधारुण बिंबफलधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्व अहम् न जाने यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे वेदे सांगपत क्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदी गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद और उसका पंचम अध्याय आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं
सूत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीन बृहश्रवाः देवर्षि प्राह विप्रषि वीणापाणि स्मयन्निव अथ तं सुखमासीन उपासीन बृहश्रवा देवर्षि प्राह विप्रषि वीणापाणि स्मयन्निव अथ तं सुखमासीन बृहश्रवा अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहश्रवा देवर्षि प्राह विप्रषि वीणापाणि स्मयन्निव अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहश्रवा देवर्षि प्राह विप्रषि वीणापाणि स्मयन्निव अथ तं सुखमासीन उपासीन बृहश्रवा देवर्षि प्राह विप्रषि वीणापाणि स्मयन्निव मतलब जैसे हम लोग कल पढ़ा कि वो चिंतित बैठे थे वेद व्यास जी और चिंता में बैठे हुए थे और अचानक से नारद जी आए और नारद जी के स्वागत के लिए खड़े हो गए। फिर नारद जी के स्वागत के लिए खड़े हो गए और उनका बहुत ही भरी बांधी ब्रह्मा जी की तरह उनका स्वागत किया। और उसके बाद सूत्र गोस्वामी आगे बता रहे हैं क्योंकि उसमें अब पहले वाले अध्याय में क्या था, उन्होंने बहुत कार्य किया, बहुत सारे शास्त्रों का विभाजन किया और बहुत बहुत शास्त्रों की ब्रांचेस बनाई और अलग अलग मुनियों को दे दिया कि आप उनको ये आप सिखाओ ये आप सिखाओ ऐसे से कर दिया। और महाभारत भी लिखा, श्री द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरम, बहुत कल्याण के लिए कार्य किया लेकिन असंतुष्ट थे तो नारद मुनि प्रकट हुए। अब सूत गोस्वामी दूसरा अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि अब उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताएंगे नारद मुनि। तो इस हमारे आज के चैप्टर का नाम है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का उपदेश देना। तो हुआ यूं कि जैसे ही नारद मुनि का उन्होंने बहुत बहुत सत्कार किया उसके बाद अथतम सुखम आसीनम, अच्छा मतलब उस टाइम पर उसको सुखम आसीनम सुखपूर्वक बैठ गए क्योंकि अब उनका बहुत बहुत सम्मान करने के बाद नारद जी को आसन दिया और वहां पर बिठाया उनको। उपासीनम और वेद व्यास, उपासीन का मतलब होता है उसके पास बैठे हुए, जैसे हम बोलते हैं उपवास, उपास का मतलब होता है भगवान के पास बैठना, उपास ऐसे या फिर उपासना होता है यानी भगवान के निकट जाना। उपासीन का मतलब होता है उनके निकट बैठे हुए। अब कौन बैठे, नारद मुनि बैठे हैं व्यास आसन पर और व्यास जी उनके निकट बैठ गए हैं। बृहश्रवा यानी अत्यंत सम्मानित। और आगे बताए देवर्षि प्राह विप्रषि, प्राह का मतलब होता है कहा, देवर्षि यानी देवर्षि नारद ने विप्रषि अर्थात ब्रह्म के ऋषि यानी ब्रह्म ऋषि से, देवर्षि नारद ने वेद व्यास जी को ब्रह्म ऋषि कहा गया, उनसे वीणा पाणी यानी हाथ में वीणा लिया हुआ था। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक शब्द लिखा है स्मयन इव, स्मयन का मतलब होता है, देखो ये याद रखना, स्माइल स्मयन का मतलब होता है कि हंसते हुए कहा। अभी हंसा है तो जब कोई जीव हंसता है ना तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं। और आज देवर्षि नारद अपने शिष्य वेदव्यास जी को देखकर हंस रहे हैं, एक तरह से व्यंग कर रहे हैं, व्यंग होता है ना जैसे तंजिया, हंसते हुए, क्योंकि अब वो इतने असंतुष्ट थे। उसके असंतुष्टि का कारण भी पूछेंगे, आगे बताएंगे, हम श्लोक के साथ जाएंगे।
वो हंस रहे हैं और उनसे कह रहे हैं। प्राह मतलब कहा। अनुवाद, सूत गोस्वामी ने कहा इस तरह देवर्षि यानी नारद सुखपूर्वक बैठ गए और मानो हंसते हुए ब्रह्मर्षि अर्थात व्यास देव जी को संबोधित किया। अभी वो क्या कह रहे हैं वो आगे बताएंगे, लेकिन सीन क्या है कि वो सुख से बैठ गए हैं और ब्रह्मर्षि को हंसते हुए ऐसा कह रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। नारद हंस रहे थे क्योंकि वे महर्षि वेद व्यास को तथा उनके असंतोष के कारण को भलीभांति जानते थे। जैसा कि व्यास देव आगे बताएंगे, उनका असंतोष भक्ति योग को सही ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण उत्पन्न था। नारद को यह त्रुटि ज्ञात थी और व्यास की दशा से इसकी पुष्टि हो गई। श्री प्रभुपाल जी नारद जी के हंसने का कारण बता रहे हैं कि क्यों हंस रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि वेद व्यास जी कितने असंतोष हैं। इतना सारा कार्य किया है फिर उनके असंतोष की क्या वजह है, और आगे वेद व्यास जी ये सारे जो कन्वर्सेशन चलेगा ना उसमें सारा बताएंगे कि मुझे क्या फील हो रहा है कि मैं क्योंकि भक्ति योग को अच्छे तरीके से नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मुझे बहुत असंतोष फील हो रहा है, असंतोष मेरा हृदय जो है वो तृप्त नहीं हो रहा है। तो नारद को ये त्रुटि पहले से ही पता थी क्योंकि नारद जी त्रिकालदर्शी हैं, देवर्षि हैं उनको, लेकिन फिर भी एक शिष्य का क्या कर्तव्य है कि उसके हृदय को जो भी अनुभव हो रहा है वो अपने गुरु को सही करके बताए। गुरु के सामने हर चीज को खुल के बताना चाहिए कि मेरे मुझे ये फील हो रहा है, मैं गुरु से नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि गुरु एक डॉक्टर की तरह होता है। यदि डॉक्टर को हम अपना मर्ज सीधी तरह से नहीं बताएंगे तो क्या होगा, वो हमें सही इलाज सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे। उसी तरह से गुरु के सामने यदि हम अपनी प्रॉब्लम को सही तरह से व्याख्या नहीं कर सकेंगे तो फिर हमारी समस्या का भी समाधान नहीं होगा। फिर आगे अब नारद मुनि कह रहे हैं ब्रह्म ऋषि को, क्या कह रहे हैं, नारद उवाच पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा। पाराशार्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा। पाराशार्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा। पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा। पाराशर्य क्योंकि वो पराशर मुनि के पुत्र थे ना, इसलिए उसको पाराशर्य कहा गया है। हे पराशर के पुत्र, महाभाग अर्थात आप बहुत भाग्यशाली हो, आपका बहुत भाग्य है। भावत यानी आपका, कच्चित आत्मना, कच्चित मतलब यदि यह है, आत्मना यानी आत्म साक्षात्कार से
परितुष्यति यानी तुष्ट हो, तुष्टि होती है। शरीर शरीर की पहचान आत्मा अर्थात स्व मनः यानी मन की पहचान निश्चय ही एवं मन निश्चय ही वा, यानी यहाँ पर नारद मुनि उसको कह रहे हैं पारा शरीर महाभाग भवतः कच्चित आत्मना कि आप तो कितने भाग्यवान हो, आप पराशर मुनि के पुत्र हो, आप कोई साधारण नहीं हो, आपको हर चीज खबर है। तो कच्चित आत्मना का मतलब होता है अगर यह है आत्म साक्षात्कार। क्या आत्म साक्षात्कार? परितुष्यति शरीर आत्मा मना सह एव कि शरीर और मन को आत्मा मानने से क्या संतुष्टि प्राप्त होती है, ऐसा है क्या? यानी कि अनुवाद देखिए, पराशर पुत्र व्यास देव को संबोधित करते हुए नारद ने पूछा क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो। यानी नारद मुनि ने एक मिनट भी जाया नहीं किया वो उसकी असंतुष्टि को। जैसे यहाँ पर ही हमें पता चलता है कि भक्त जो होते हैं ना वो पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ऐसा नहीं है गोल घुमाएं, उधर से कहानियां उठाएं, उधर से स्टोरियां उठाएं, सीधा ट्रैक में चलाओ। आप भगवान की भक्ति नहीं करोगे आप संतुष्ट नहीं हो सकते, बता दो सीधी बात। फिर उसको भले इस बात को समझाने के लिए आपको कुछ भी करना पड़े लेकिन पॉइंट पर आना है, मेन पॉइंट से नहीं हिलना है। तो ये क्या बता रहे हैं, नारद मुनि आए और डायरेक्ट से उनसे पूछा आप पराशर के पुत्र हो तो आप क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हुए हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं यह नारद द्वारा व्यास देव को उनके असंतोष के कारण का संकेत था, यानी कि वो बता रहे थे क्योंकि व्यास देव जी संतुष्ट नहीं थे। क्यों संतुष्ट नहीं थे? उन्होंने इतने सारे चार वेद है ना, चार वेद लिखे, विभाजन किया, उनके बाद वेदांत सूत्र लिखा, उसके बाद उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, महाभारत लिखा, इतिहास लिखा, इतना सब कार्य। कोई इच्छा नहीं थी मन में कि मेरी वाह वाह होगी, लोग मेरे बारे में इतना अच्छा, मतलब मैं ज्ञानी हो गया हूँ, या सिर्फ इच्छा हृदय के अंदर क्या थी कि जीवों का कल्याण। क्योंकि पहले हमने पढ़ा था कि कलयुग के जीवों के जो दुर्भाग्य को देख करके उनके अंदर श्रद्धा भी नहीं होगी, उनके अंदर सत्वगुण भी नहीं होगा और उनकी आयु इतनी क्षीण होगी, इतना उनका दुर्भाग्य होगा कि उनको शुद्ध भक्तों का संग नहीं प्राप्त होगा, तो वो देख नहीं सके। और एक शुद्ध भक्त का क्या कर्तव्य होता है कि वो किसी तरह से सामने जो उसके सामने है उसको किसी तरह से भगवत भक्ति में लगाए, किसी तरह से उसके कष्ट को दूर करे। एक आज का जीव क्या बात करता है कि कैसे मैं सुखी रहूं, लेकिन वास्तव में भक्त क्या चाहता है कैसे मैं उसको सुखी करूं। भक्त की एक ही इच्छा होती है कि एक जीव जो बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस रहा है, बारंबार दुखी हो रहा है, उसको दुख भुगतना पड़ रहा है, तो कैसे मैं कोई ऐसा कार्य करूं कि उसको अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो, और वास्तविक लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति। तो यहाँ पर ये बता रहे नारद मुनि कि क्योंकि आपने शरीर और मन को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य माना। कैसे माना? क्योंकि उन्होंने वेद लिखे ना, वेदों में क्या लिखा कि अगर आपको बुद्धि चाहिए तो गणपति के पास जाइए, है ना, बुद्धि सिद्धि सिद्धि चाहिए तो गणपति के पास जाओ, ज्ञान चाहिए तो सरस्वती माता के पास जाइए, और अगर आपको सुंदर स्वरूप चाहिए तो आप सूर्य देव की पूजा करो, अगर आपको है ना स्वस्थ शरीर चाहिए तो इसकी पूजा करो, यदि आपको अच्छी संतान चाहिए तो इसकी पूजा करो, यदि आपको सुंदर पति चाहिए तो इसकी पूजा करो, आपको अपने इस शरीर को सुखी करके मन को संतुष्टि मिलेगी, और इस तरह से आप इस मंत्र का उच्चारण करो, फिर इस मंत्र का उच्चारण करो। तो यहाँ पर क्या है, केंद्र किया आत्म साक्षात्कार का, केंद्र किया शरीर को कि यदि शरीर
संतुष्ट होगा। आगे बताया कि जब ये सारी चीजें, जीव की ये सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी ना, फिर वो भगवान की भक्ति में लगेगा, क्योंकि उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। परंतु वास्तविकता क्या है, भगवान कहते हैं कि सशांतिम आपनोति न काम कामे, कि जो इन कामनाओं को पूरा करने की इच्छा करता है और उसी के लिए कार्य करता रहता है, उससे कभी शांति प्राप्त नहीं होती है, बल्कि उसको प्राप्ति होती है शांति जो कि इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए भटकता नहीं है, बल्कि इन ख्वाहिशों को खत्म कर देता है। तो यहाँ पर क्योंकि इतने सारे वेदों में अब ये सारी चीजें उन्होंने बताई, वास्तव में ऐसा नहीं था कि वेद व्यास जी को जीवन का लक्ष्य पता नहीं था, लेकिन ये बताने का कारण क्या है कि जैसे आपके पास एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत महंगी भी हो, एक ही हो, ठीक है, और आप आपके पास समझो एक मोबाइल है, बहुत महंगा है, लेकिन आपके पास एक ही है ना, तो आप कैसे कंपेयर करोगे कि ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है या सबसे ज्यादा अच्छा है या सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है। अगर आपके पास सी और भी मोबाइल होंगी और वो सस्ती सस्ती होंगी और उसके इतने अच्छे फंक्शंस नहीं होंगे, तो फिर आप क्या करोगे, इन सब में बता सकोगे, किसी को डिस्प्ले कर सकोगे कि देखो ये मेरे पास इतने सारे दूसरे भी मॉडल हैं लेकिन दिस वन इज बेस्ट। तो वास्तव में वेद व्यास जी ने अभी तक भागवत महापुराण को नहीं दिया, और इतने सारे वेदों को देने के बाद भी वो असंतुष्टि दिखा रहे हैं, क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण का क्या महत्व है। तो यहाँ पर नारद मुनि पूछ रहे हैं, क्या आप संतुष्ट हो, क्या आपने मन और शरीर को आत्म साक्षात्कार का केंद्र किया है? तो श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, इस तरह से उन्हें असंतोष का कारण बता रहे हैं कि वास्तव में तुम्हारे असंतोष का कारण यही है। आगे श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, वेद व्यास जी के लिए अत्यंत शक्तिमान मुनि पराशर के आत्मज होने के कारण, इस पितृत्व के कारण असंतुष्ट रहने की कोई कारण नहीं था। यहाँ पर जो पाराशर बताया ना इनका नाम, अभी पाराशर मुनि जो थे वो कोई साधारण पिता नहीं थे, वो जिनके बारे में हमने पढ़ा, विष्णु पुराण भी उन्होंने लिखा है और भगवान के विषय में भी उन्होंने इतने सारे मतलब इतना विस्तार किया, भगवान के भगवान उन्होंने षडेश्वरीय के विषय में बताया, श्री प्रभुपाद जी अक्सर उनके श्लोक भी बताते हैं। तो इतने महान पिता के होने का कारण क्या है कि उन्हें असंतुष्ट नहीं होना चाहिए क्या? क्योंकि पिता जितना महान होता है तो पितृ जो उसका पुत्र जो होता है वो भी, उसे भी अगर इतना ही ज्ञान होता है तो वो असंतुष्ट क्यों होगा? इस पितृत्व के कारण असंतुष्ट रहने का कोई कारण ना था। महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें चाहिए था कि आत्मा की पहचान शरीर या मन से ना करते। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि इतना शारीरिक ज्ञान दिया, और ऐसा तो अल्पज्ञ करते हैं, है ना? अल्प ज्ञान क्या है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हें भगवान की सेवा करनी है बस। और अगर आप शरीर के विषय में इतना ज्यादा ज्ञान दे रहे हो तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा तो अल्पज्ञ लोग करते हैं। व्यास देव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्वभावतः कोई तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता जब तक सचमुच वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं करता जो भौतिक शरीर तथा मन से परे है, है ना? आत्मा जो है उसका शरीर और मन से कोई लिंक नहीं। आत्मा का यदि किसी से रिश्ता है तो भगवान है। तो वास्तव में अगर किसी को संतुष्ट होना है, किसी को प्रसन्न होना है, तो आत्मा को उसकी रियल जो पोजिशन है, क्या स्वरूप, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, वो इस स्वरूप के विषय में यदि आप बात करते हो, यदि उसको रियलाइज करते हो, तभी आप संतुष्ट हो सकते हो। इसके अतिरिक्त आपको दुनिया का कितना ही बड़ा ज्ञान प्राप्त हो जाए, कितनी ही धन, कितना ही सौंदर्य, कितना ही नॉलेज, सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, यदि आप भगवान के साथ अपने संबंध को नहीं जानते हो, यदि कृष्ण के साथ अपने रिश्ते को निर्माण नहीं करते हो, तो फिर आप कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि आप ये शरीर नहीं हो। कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने के अतिरिक्त आप जो कुछ भी कर रहे हो वो सब इस शरीर और मन की संतुष्टि के लिए है। आत्मा की संतुष्टि केवल कृष्ण और कृष्ण के साथ अपने संबंध को निर्माण करके उसकी सेवा में ही है।
श्लोक नंबर 3 जिज्ञासितं सुसंपन्नं अपिते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्था परिबृहितं जिज्ञासितं समु सुसंपन्नं अपिते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृहितं जिज्ञासितं सुसंपन्नं अपिते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृहितं जिज्ञासितं सुसंपन्नं अपिते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृहितं जिज्ञासितं सुसंपन्नं अपिते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थ परिबृहितं शब्दों का अर्थ जिज्ञासितम यानी पूर्णतया पूछा गया सुसंपन्नम पटु या दक्ष अपि होने पर भी ते तुम्हारा महत अद्भुतम महान तथा अद्भुत कृतवान तैयार किया भारतम महाभारत यह त्वम जो तुमने किया सर्व अर्थ संपूर्ण फलों सहित परिब्रह्मितम विस्तार से व्याख्या की गई। तो यहाँ पर बता रहे हैं नारद मुनि वेद व्यास को कहते हैं जिज्ञासितम सुसंपन्नम यानी कि आपने जो जिज्ञासाएं की हैं वो एकदम सुसंपन्न है बिल्कुल दक्ष आपने जो बातें बताई हैं वो सब एकदम परफेक्टली बताई हैं। ते महद अद्भुतम यानी कि जो आपने रचनाएं की हैं जो इतने शास्त्र लिखे हैं वो भी बहुत अद्भुत हैं जो आपने जो जो कुछ लिटरेचर दिया है जो कुछ शास्त्र दिए हैं वो एकदम परफेक्ट हैं। कृतवान भारतम यस्तम और आपने जो महाभारत लिखा हुआ है सर्वार्थम परिब्रह्मितम यानी कि वो तो आपने इतनी अच्छी शास्त्र लिखी है इतना अच्छा ग्रंथ तैयार किया है कि उसमें सभी प्रकार से वैदिक फल यानी कि जो भी वेदों में जो कुछ लिखा हुआ है वो सारा का सारा निचोड़ करके श्रीमद् भागवतम महापुराण के श्लोकों में पूरा वेदों का सार आपने बताया उसके अंदर श्रीमद् भागवत गीता भी है तो आपने तो हर चीज एकदम कंप्लीट की है। तो आगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा वेद व्यास के विषाद का कारण उनमें पर्याप्त ज्ञान का भाव नहीं था यानी कि अब वेदव्यास जी को नारद मुनि ने क्या बोला कि आपने जो कुछ बताया एकदम परफेक्ट बताया एकदम सही सारी बातें बताई और ज्ञान से सब कुछ परिपूर्ण था। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते उनके पास ज्ञान का भाव नहीं था उनको ज्ञान पूरा का पूरा था क्योंकि छात्र के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य का पूर्ण अवगाहन किया था जिसके फलस्वरूप उन्होंने महाभारत का संकलन किया जो वेदों की पूर्ण व्याख्या है यानी कि छात्र के रूप में यानी कि वो शिष्य थे और गुरु परंपरा से उन्होंने सारा शास्त्र का ज्ञान लिया था और पूरा उसको अच्छे तरीके से सीखा था और उसकी उसी के कारण इन महाभारत इसी इन वेदों से निचोड़ निकाल के महाभारत उन्होंने संकलन किया। तो इसका मतलब है बुद्धि या ज्ञान का अभाव नहीं था वास्तव में अभाव किस चीज का था क्योंकि उन्होंने भक्ति कृष्ण प्रेम को नहीं दिया था। तो वो आगे बताएंगे श्लोक नंबर 4 में नारद मुनि कहते हैं जिज्ञासितम अधीतम च ब्रह्माय ब्रह्मय तत् सनातनम् तथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभु जिज्ञासितम्
अधीतं च ब्रह्मयत्तत्सनातनम् तथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभु जिज्ञासितम् अधीतं च ब्रह्मयत्तत्सनातनम् तथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभु जिज्ञासितम् अधीतं च ब्रह्मयत्तत्सनातनम् तथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थ इव प्रभु शब्दों का अर्थ जिज्ञासितम अधीतम च जिज्ञासितम यानी पूर्णतया विचार हुआ विचारा हुआ अधीतम यानी पर्याप्त ज्ञान च तथा ब्रह्म यत तत् ब्रह्म मतलब परम ब्रह्म यत जो तत् उस सनातनम यानी शाश्वत को तथापि सोच तथापि मतलब फिर भी सोचसी मतलब पश्चाताप करते हो आत्मानम अपने आप को अकृतार्थ यानी व्यर्थ इव सदृशी हे प्रभु यानी कि अभी देखो आपने इतना अच्छा बताया जिज्ञासितम अधीतम से यानी कि जो कुछ भी आपने बताया है विचार किया है वो सब एकदम परफेक्ट बताया इतना अच्छा ज्ञान परब्रह्म ब्रह्म यत्तत् सनातनम वो ज्ञान जो निराकार ब्रह्म के विषय में होता है यानी कि निराकार वेदों में निराकार ब्रह्म के विषय में बहुत बहुत बताया जाता है ना तो बोला तुमने अनुवाद देखिए तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को बली भांति एकदम अच्छे तरीके से बता दिया तथापि शोचस्त्व आत्मानम यानी कि फिर भी तुम पश्चाताप कर रहे हो तुम्हें फिर भी दुख हो रहा है और अकृतार्थ तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ फिजूल किया आनंद नहीं आ रहा संतोष नहीं आ रहा सुख नहीं आ रहा है तो अब फिर आगे बोल रहे हैं प्रभु प्रभु यानी कि वो फिर व्यंग करके कह रहे हैं कि तो इतना सब होते हुए भी हे मेरे प्रभु अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है यानी कि इतना सारा तुमने बताया पहले शरीर को मन को आत्मा समझ के उनको प्रसन्न करने की बातें बताई और उसके बाद तुमने बहुत अच्छी सारी सारी ज्ञान की बातें बताई महाभारत भी लिखा और ब्रह्म निराकार ब्रह्म की इतनी अच्छी व्याख्या की है और फिर भी तुम अपने आप को व्यर्थ समझ रहे हो हताश हो रहे हो दुखी हो रहे हो दुखी होने की क्या बात है तात्पर्य श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में जिसका संकलन श्री वेद व्यास जी ने किया है निर्गुण ब्रह्म की पूर्ण चर्चा है और यह विश्व की सर्वाधिक सम्मानित दार्शनिक व्याख्या मानी जाती है यानी कि जो निराकार विश्व में बहुत ज्यादा प्रचलित है निराकार की व्याख्या सबसे ज्यादा सम्मानित मानी जाती है तो उसका जो उन्होंने ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था ना उसमें बहुत ही विशेष वर्णन किया इसका विशेष तो उन्होंने बहुत ही उसका सनातना यानी कि अच्छा उसने वर्णन किया है और जो लिखा है ना वो भी एकदम परफेक्ट तरीके से लिखा है यानी कि वर्ड्स जो है ना वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताए गए अतः वेद व्यास जी के दिव्य पांडित्य के विषय में संदेह का प्रश्न भी नहीं उठता है तो फिर उन्हें इस प्रकार विषण्य क्यों होना चाहिए यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई भी शास्त्र है चाहे उसको कितने भी अच्छे तरीके से लिखा जाता है बहुत अच्छे तरीके से वर्ड्स जो है ना मतलब वर्डों का कमाल ऐसा होता है कोई कोई लोग भौतिक शास्त्र लिखते हैं मतलब भौतिक मैगजीन्स या वो नॉवेल्स लिखते हैं और उसमें लैंग्वेज इतनी सुपर रखते हैं कि कोई भी पढ़ के उससे आनंदित होता है लेकिन यहाँ पर वेद व्यास जी ने जो ब्रह्म सूत्र रचा है और जो दूसरे दूसरे शास्त्र लिखे हैं जो वैदिक ज्ञान दिया है वो पांडित्य से परिपूर्ण है यानी कि कोई कमी नहीं है ना ज्ञान की ना नॉलेज की और ना ही शास्त्र की रचना जो हुई है उसकी
लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट है। इसका मतलब है जब तक कोई ज्ञान जिसमें भगवान के विषय में ना बताया जाए, जिसमें भगवान की प्रशंसा, भगवान के प्रति प्रेम उदय करने का कोई साधन नहीं हो, चाहे वो कितना ही अच्छे तरीके से क्यों ना लिखा जाए, कितना ही सुशील तरीके से, परफेक्ट तरीके से क्यों ना लिखा जाए, उसमें आनंद नहीं आएगा ना भगवान को और ना ही भक्तों को और ना ही हमारा हृदय संतुष्ट होता है। लेकिन यदि अगर कोई इतना अच्छा नहीं लिख सकता, मतलब उसका राइटिंग पावर इतना अच्छा नहीं होता है, वो उसके वर्ड्स इतने अच्छे कमाल के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो अगर टूटा फूटा भी बताता है और भगवान के विषय में, भगवान से प्रेम के विषय में बता रहा है, तो समझो वो धन्य है और जो उसको सुनता है वो धन्य हो जाता है, जो उसका लिखा हुआ पढ़ता है वो धन्य होता है। भक्ति वास्तव में जीवन को, मनुष्य जीवन और जो जीव आत्मा है उसको संतुष्ट करने का एकमात्र तरीका है। तो हमें तो लगता है कि भौतिक चीजें, भौतिक ज्ञान सब व्यर्थ है क्या जो हमने लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। श्री रूप गोस्वामी बोलते हैं भौतिक ज्ञान, चाहे वो कोई भी ज्ञान हो, भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, अगर आप उसको कृष्ण की सेवा में यूज करते हो तो वो आध्यात्मिक बन जाता है, लेकिन यदि अपने ही शरीर और शरीर से रिलेटेड व्यक्ति और वस्तुओं को संतुष्ट करने के लिए अपने ज्ञान को आप यूज कर रहे हो, तो चाहे कितना ही ज्यादा ज्ञान हो, आप कभी भी वो आपको आध्यात्मिक उन्नति नहीं दे सकता, हृदय की संतुष्टि नहीं दे सकता। तो हमें ऐसा भी लगता है कि जिन जिन लोग ने भौतिक ज्ञान भी प्राप्त किया है तो वो भी कितने संतुष्ट दिखते हैं कि हाँ अभी हमने अचीव कर लिया, लेकिन वो क्षणिक अचीवमेंट और क्षणिक संतुष्टि होती है, वो कभी भी इटर्नल संतुष्ट प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि वो भगवान की भक्ति नहीं करते। तो कल आज क्योंकि नारद मुनि ने उनको बोला कि इतना सब तुमने लिखा, इतना कुछ बताया, इतना पढ़ा, इस सब ज्ञान बताया, तो असंतुष्टि का क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है? तो कल वेदव्यास जी अपनी असंतुष्टि का कारण बताएंगे। आप सब साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं गुरु और गौरंग को प्रसन्न करने के लिए आप सबकी अच्छी सेवा कर सकूं। हरि बोल।